Assalamu alaikum guys, today I am going to share with you bechamel or white sauce recipe. Yes guys, it's an authentic recipe of one of the mother sauce. So guys, start karte hain. सबसे पहले हम रू की प्रिपरेशन करेंगे. तो रू बनाने के लिए हमें इक्वल क्वांटिटी यानी कि 90 ग्राम मैंने बटर लिया है, तो 90 ग्राम ही मैंने फ्लावर लेना है यानी मैदा. और इन दोनों को मैं लो फ्लेम पे मेल्ट कर रही हूँ. सबसे पहले मैंने बटर को मेल्ट करना स्टार्ट कर दिया है और 90 ग्राम मैंने इसमें शामिल कर दिया है मैदा. दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे अच्छा सा. लो फ्लेम पे हम 1 से 2 मिनट के लिए इसको भूनते रहेंगे गाइस. और रू का प्रोसेस जो है वो लो फ्लेम पे हो तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ कि एकदम से बर्न होकर और इसका टेस्ट एंड कलर जो है वाइट सॉस का वो ख़राब हो जाता है. तो रू इज़ रेडी गाइस. मैंने लिया है एक पॉट और इसके अंदर मैंने 250 ml तकरीबन मैंने दूध शामिल कर दिया है. यस गाइस, 250 ml मिल्क मैंने इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया है. और ये हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें है 1 small size ऑनियन जिसको मैंने क्यूब की शेप में काट लिया है, इसके साथ साथ 2-3 गार्लिक क्लव्स हैं यानी लहसुन, और एक बे लीफ है, और तेज़पत्ता यानी कि फ्यू क्लव्स यानी लौंग ले लिए हैं. इसी के साथ साथ मैंने कुछ ब्लैक पेपर्स भी ले लिए हैं. साबुत काली मिर्चें मैंने ली हैं. और इन सब के साथ साथ मैंने दूध में शामिल कर दिया है रूबी. और इन सब को अब मैं हाई फ्लेम पे पका रही हूँ जितना कि थिक सा इसका टेक्सचर हो जाएगा और ये बहुत जल्दी पक जाएगा गाइस. इसको हाई फ्लेम पे पकाने के बाद हम इसको स्ट्रेन कर देंगे. तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो सॉलिड इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको हम सॉस से बिल्कुल अलग कर देंगे. साथ साथ आपने इसमें हाफ इंच ऑफ सॉल्ट शामिल कर देना है क्योंकि इसका फ्लेवर जो है अभी बिल्कुल फीका होगा तो ये फ्लेवर लेस होगी. तो गाइस, इसके अंदर हमने थोड़ा सा सॉल्ट शामिल करा और तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो थे वो उनको मैंने सेपरेटली स्ट्रेन कर दिया है. और ये बेशमल सॉस, वाइट सॉस एकदम रेडी हो चुकी है गाइस. इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.